की आमदनी को 2022 तक दुगना करने का लक्ष्य जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उसी के क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हैदराबाद में स्थित इस संस्थान के द्वारा किसानों की सुने ऐसा अभिनव कार्यक्रम यहाँ हैदराबाद में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में देश भर के 25 प्रदेशों के 150 किसानों ने, किसान प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और किसान की आमदनी को दुगना करना, 5 साल में इस लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है और इसमें किसानों का दृष्टिकोण क्या है, किस रूप से इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं और किस तरह की रुकावटें इसके मार्ग में हैं, इसको जानने का प्रयास नार्म इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सीएच श्रीनिवास राव साहब द्वारा आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में, एक वर्कशॉप में किया गया। मैं इस संस्थान के निदेशक महोदय को और बाकी सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अनूठा कार्यक्रम किया है जिसमें हमको इस विषय पर किसानों का पक्ष जानने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से ये जो जानकारी यहाँ प्राप्त हुई है और 2 दिन में किसानों के साथ संवाद में जितनी जो भी जानकारी उपलब्ध हुई है, इस सब का डॉक्यूमेंटेशन करके आने वाले समय में नीतियों को और अधिक रूप से प्रभावी किस तरह से बनाया जा सकता है, इस दृष्टिकोण से काम करने में सहूलियत होगी। मैं अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इनको के अधिकारियों को भी इस बात के लिए मार्गदर्शन देना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हों ताकि हमको सारे स्टेक होल्डर्स की राय को जानने का अवसर मिले और हम सब मिलकर के देश के कृषि क्षेत्र का रिफॉर्म करने में कामयाब हों। थैंक यू। 5 साल के लिए आप गवर्नमेंट के बारे में क्या करने का चाहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश की किसान की आमदनी को दुगना करने का ऐसा लक्ष्य रखा था, उसके साथ ही उन्होंने 7 सूत्र उसके लिए बताए थे, जिन सूत्रों के मुताबिक हम किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए उसकी लागत में कमी लाते हुए, साथ ही साथ में उसकी इनपुट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको सही समय पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज, खाद, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड सब उपलब्ध कराए, उसके मार्केट को जो है वो सही, उसको उत्पाद का सही मूल्य मिले, उसके लिए देश भर की मंडियों का इंटीग्रेशन करते हुए उसकी फसल को पूरी सुरक्षा देने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बीमा पॉलिसी ऐसा लागू करने का काम सरकार ने किया है और इस दिशा में सरकार और तेज़ी से काम कर रही है। जो स्टेप्स सरकार ने लिए हैं उनके माध्यम से हम निश्चित रूप से देश के किसान की आमदनी को दुगना करने के इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। देखिए, देश के कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने निश्चित रूप से अभूतपूर्व उल्लेखनीय काम किया है और आज देश उत्पादन के दृष्टिकोण से आज जिस अवस्था पर पहुंचा है, और हम सब गर्व के साथ में ये बात कह सकते हैं कि हमारा देश जो है खाए जा सकने वाले सभी पदार्थों की दिशा में आत्मनिर्भरता की स्थिति पर है एकाध को छोड़ करके, लेकिन हमें और तेज़ी से काम करने की आवश्यकता है और ये जो कृषि क्षेत्र का ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। हम उत्पादकता को और अधिक बढ़ाएं ताकि साथ ही साथ में हम जमीन को जो है वो चावल, गेहूं आदि खाद्यान्नों से मुक्त करके जो है दूसरी हाई वैल्यू प्रोड्यूस की तरफ ट्रांसफ़र कर सकें और किसान हाई वैल्यू मार्केट जो है सेंट्रिक अप्रोच के साथ में मार्केट डिमांड ड्रिवन एग्रीकल्चर करे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेटेड फार्मिंग करे, खेती के साथ साथ में आय के अन्य संसाधन जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन, मछली पालन या मधुमक्खी पालन और कुक्कुट पालन, इस तरह के काम करें ताकि उसके आय के अन्य सोर्स डेवलप हों और उसकी फार्म इनकम पर डिपेंडेबिलिटी वो कम हो सके, इस दिशा में काम कर रहे हैं। एक समिति केंद्रीय स्तर पर इसके लिए बनाई गई है, जिस समिति ने अब तक जो कुल 14 पेपर्स उनको इस दिशा में बनाने थे वो ऐसे नीति निर्धारक 14 पेपर्स में से 6 पेपर अब तक कुल पब्लिश कर दिए हैं, जनवरी के अंत तक इन सबको पेपर पब्लिश करके, और इस दृष्टिकोण से जो है और इस विषय में आगे क्या काम किया जाना है, सरकार इस विषय में काम करेगी। थैंक यू।